भारी बारिश से हाल बेहाल, सड़कें बनी समुद्र, हाईवे पर भरा पानी। भारी बारिश के चलते मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरें, अंधेरी सबवे जलभराव के चलते बंद। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे आफत वाली बारिश, आंधी ने जारी किया रेड अलर्ट। वसई नाला सपारा में जनजीवन अस्त व्यस्त, बाइक का रिक्शा सब डूबते आई नजर, सड़कों पर कमर तक पानी। जलते हुए मणिपुर को शांत नहीं कर सकते आप, कैसे विश्वगुरु है, संजय राउत का नरेंद्र मोदी पर हमला। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बारिश के गंदे पानी से सब्जियों को साफ करने वाला वीडियो वायरल, वीडियो में महिला धनिया के पत्ते को पाइप से निकाल रही, बारिश के गंदे पानी से साफ कर रही है। महाराष्ट्र में बारिश से 12 की मौत, 98 लोगों को बचाया गया, मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच अब डेंगू का कहर, इस महीने मिले 264 केस। बारिश के चलते असलफा मेट्रो स्टेशन के पास भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल है। एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले में मिले सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, 1852 कुपोषित बच्चों की संख्या। अजीत पवार के मुख्यमंत्री पद पर फिर चर्चा, लगाए गए बैनरों पर जनता के मन में मुख्यमंत्री का जिक्र। भीड़ में महिला से छेड़छाड़ करने पर एसटी ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। ड्राइवर के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के गांव जाने वाले सड़क पर भूस्खलन, महाबलेश्वर तकोला ट्रैफिक बंद। मुंबई से सटे उल्लास नगर में एक बेकरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। भारी बारिश और खराब मौसम के बीच दूसरे दिन जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब भी 119 लोग लापता। मुंबई से चल सकती है पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मुंबई दिल्ली रूट पर चलाई जा सकती है। मणिपुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया सवाल तो एमबीए के नेताओं ने सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन। धोखादायक इमारत का गिरा छज्जा, कोई जानहानि नहीं, थाने के उल्लास नगर की घटना। सुप्रीम कोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म के निर्माताओं को दी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर 288 रन बनाए। पीएम मोदी की बायोपिक में होंगे अमिताभ बच्चन, ये फिल्म पीएम मोदी के इमेज के साथ पूरा न्याय करती दिखेगी, प्रोड्यूसर का बयान। अजीत पवार के बाद अब देवेंद्र फडणवीस का फैसला, नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन, रायगढ़ भूस्खलन के बाद लिया फैसला। लायन सर्कल सड़कों पर पानी भरा, लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई में आज सोने के दामों में गिरावट, सोना 60,440 रुपए तोला। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब सस्ते में मिलेगा चावल, बंद कर दिया गया एक्सपोर्ट।